चंद्रशेखर पांडे इतिहास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन आज बिना प्रश्नों के उपस्थित हूं। माफ करिएगा, कुछ कारण है इस वजह से। उम्मीद करता हूं रोज की तरह आप तो अच्छे ही होंगे। क्यों, ऐसा ही है ना भाई? लगा दीजिएगा। और बताएं, आज शाम को क्लास मिल रही है आपको? आप सारे लोगों को बहुत स्पेशल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज क्लास थोड़ा सा, और भी क्लासेस रहती है ना, तो उसकी वजह से लेट हो रहा है सब। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आज शाम को आज पहली क्लास है ना, तो लेकिन कल से सब दुरुस्त हो जाएगा ये भी। चलो शुरू करते हैं। आज प्रश्न मैंने नहीं लिखा हुआ है आपके लिए, लेट हो गया था इस वजह से, लेकिन आज की भरपाई कल कर लेंगे। और कल तकरीबन 15 प्रश्न पूरा अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के, तो कोई बात नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी में थोड़ा सा बाकी भी रह गया था, ये भी एक रीजन था छोटा सा। अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ रहे थे, और अलाउद्दीन खिलजी में कुछ चीजें बाकी रह गई थी, जैसे साम्राज्य विस्तार, उसका उसके दक्षिण भारत की विजय, उसके दरबारी कौन था, उससे संबंधित जो भी स्थापत्यकार थे, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे बाकी रह गए थे। तो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, तो इसमें आपको कुछ बातें मैंने बेसिक तौर पे बता दिया था, जो कल हमारी क्लास में रह गया था, लास्ट मुद्दा था, वो था दीवाने मुस्तखराज को लेकर के। दीवाने मुस्तखराज, जो वसूली विभाग में भ्रष्टाचार था, जो वसूल राजस्व किया जाता था, तो राजस्व वसूली में जो अधिकारी लगे हुए थे उनमें कई बार भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। जितना आय होता था लगान के माध्यम से, राजस्व के माध्यम से, उसका सही वो खाका गवर्नमेंट के सामने नहीं रखते थे, शासक के सामने नहीं रखते थे। इसी वजह से शासक को कभी शंका हुई उनकी निष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पे, तो उनके जांच करने के लिए दीवाने मुस्तखराज नाम से एक नया विभाग खुला था। मैंने अभी तक जितने भी 4-5 विभाग बताए हुए हैं, और आगे अभी जो 2-3-4 और विभाग आएंगे, उन सारे के नाम आपको याद होना चाहिए, और किसके समय काल में ये सारे विभाग खोले गए ये आवश्यक है। तो अलाउद्दीन खिलजी में अगला जो हमारा मुद्दा है वो है साम्राज्य विस्तार को लेकर के। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं जरा। साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को लेकर के जो पहला ही प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा एक शासक था जो दूसरा सिकंदर कहा जाता है। तो इन्होंने एक उपाधि लिया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन सी? वो थी सिकंदर रुखसाने की। सिकंदर रुखसाने की जो उपाधि इन्होंने लिया, उसका सीधा सीधा मतलब है दूसरा सिकंदर। एक्चुअली सिकंदर का तात्पर्य कभी भी होता है क्या? विश्व विजेता बनना। और कुछ ऐसी ही महत्वाकांक्षा किसके साथ जुड़ी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़ी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय का महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्यवादी किस्म का था, तो बहुत बड़ा क्षेत्र अपने साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में शामिल करना चाहता था। तो दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। लेकिन जब उसके दिमाग में विश्व विजय की ये बात जब आई, तो उन्होंने 2-3 लोगों से सलाह मशवरा किया। कहानी है, उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने 2-3 लोगों से सलाह मशवरा किया। तो सलाह की प्रक्रिया किसके किसके साथ देखने को मिलती है? तो दिल्ली में जो काजी था उस समय, काजी मुगीसुद्दीन से इन्होंने सलाह लिया। इसके अलावा दिल्ली का जो कोतवाल जो था अताउल मुल्क, इन दोनों व्यक्तियों से उन्होंने कभी ना कभी सलाह मशवरा किया कि मेरी इच्छा विश्व विजेता बनने की है, विश्व विजय मैं करना चाह रहा हूं। तो इन लोगों ने सलाह क्या दिया? इन लोगों ने सलाह यह दिया कि पहले, प्रदीप जी धन्यवाद, आप इतना टाइम मेरे लिए निकाल रहे हैं, मुझे खुशी है। तो इन लोगों ने सलाह क्या दिया अलाउद्दीन को कि आपके देश में ही, आपके आसपास क्षेत्र ही इतने अभी ज्यादा हैं
जो कि आपके साम्राज्य से अभी बाहर है। तो आप पहले दूर दूर विश्व विजेता बनने का ख्वाब न देखिए, आपके आसपास जो भी एरियाज अभी रिक्त शेष बाकी रह गए हैं, जो आपके साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाए, पहले उन्हें ही अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास करें। और साम्राज्य में शामिल करना एक भावनात्मक कदम नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लाभ हानि को देखते हुए ये काम होना चाहिए, लाभ हानि को देखते हुए ये काम होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने शुरू किए अलाउद्दीन खिलजी ने। तो महत्वपूर्ण ये नहीं था सलाह किसे लिया, महत्वपूर्ण ये नहीं था, ये वाला महत्वपूर्ण मुद्दा था सिकंदर रुखसानी किसे कहा जाता है, या दूसरा सिकंदर दिल्ली सल्तनत में किस एक शासक को आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को। आगे बढ़ते हैं, तब साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में इन्होंने क्या क्या कार्य किया। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया शुरू होती है 1299 से। कब से? 1299 से। 1299 में इन्होंने जो अभियान किया, अभियान आगे लिखते हैं दूसरे पेज पे, इन्होंने जो अभियान किया वो किया, पहला अभियान 1299 में जो महत्वपूर्ण है वही बता रहे हैं, गुजरात पर अभियान किया। कहां पे? गुजरात पर, गुजरात का अभियान किया। गुजरात अभियान के दौरान ही खंभात की खाड़ी, आपने नाम सुना होगा, खंभात की खाड़ी से अलाउद्दीन खिलजी का जो एक परम दास गुलाम, आप सारे लोग नाम उसका जानते भी होंगे, मलिक काफूर को पकड़ा गया दास के रूप में। कहां से? खंभात की खाड़ी क्षेत्र से। किस अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। अब गुजरात अभियान क्यों किया? गुजरात अभियान अब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा पॉइंट है उसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके बावजूद, समझने के लिए, जानने के लिए। गुजरात अभियान इस वजह से किया क्योंकि गुजरात समुद्र तटीय एरिया है। समुद्र तटीय एरिया वाले क्षेत्रों पे जब दिल्ली सल्तनत के शासक का राज होगा, तो जो अंतरदेशीय व्यापार हो रहा है, बाह्य विदेशी व्यापार हो रहा है, उसमें सहूलियत मिल जाती। किसी और का कब्जा रहे उससे अच्छा है कि अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाए, तो बाह्य व्यापार में इनके लिए सहूलियत हो जाती। ये उद्देश्य था इसका। तो गुजरात अभियान के दौरान ही खंभात की खाड़ी क्षेत्र से मलिक काफूर को पकड़ा गया था, सीधे को पकड़ा गया एक दास के रूप में। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण अभियान हुआ, वो हुआ 1301 में। तो 1301 में जो अभियान हुआ वो हुआ मेवाड़, इसकी राजधानी कहां पे? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। मेवाड़ का अभियान हुआ, तो चित्तौड़ को जीत लिया गया। और चित्तौड़ का नया नामकरण क्या हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है, उसका नाम हुआ खिजराबाद। क्या नाम हुआ? खिजराबाद। चित्तौड़ का नया नामकरण क्या हुआ जीतने के बाद? खिजराबाद। खिज्र अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, तो अपने बेटे खिज्र खां के नाम पे उस नए विजित क्षेत्र चित्तौड़ का नामकरण हुआ खिजराबाद। अब मेवाड़ चित्तौड़ को लेकर के ही एक फिल्म बनी पद्मावत, बहुत विवादास्पद रही लेकिन रिलीज हुई, आप सारे लोगों ने लगभग देखा भी होगा, वही रानी पद्मावती या पद्मिनी को लेकर के जो भी है आप लोग जानते होंगे। अब उसमें बहुत किताबों में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, फिल्म में कुछ और बातें दिखाई गई, बातें अलग अलग हैं। तो रानी पद्मिनी का जो विवाद है वो चित्तौड़ से ही जुड़ा हुआ है। रानी पद्मिनी या फिर पद्मावत वाला जो भी राजनीतिक विवाद यहाँ पे है वो कहां से जुड़ा हुआ है? चित्तौड़ से ही जुड़ा हुआ है। और विवाद में एक प्रमुख भूमिका मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इसी मुद्दे को लेकर के ही, इसी अभियान को लेकर के ही मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो कि कबीर दास के समकालीन थे, 15वीं सदी की बात है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखा पद्मावत, उसी पर यह फिल्म भी बनी
पद्मावत और इस कहानी को ही आधार वहां पे बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा, 1305 में रणथंभौर ये भी राजस्थान में ही है, ठीक वैसे ही जैसे मेवाड़ चित्तौड़ राजस्थान में, रणथंभौर का अभियान हुआ। रणथंभौर को जीता गया। रणथंभौर को क्यों जीता गया? हुआ यह था कि ये जो गुजरात का अभियान हुआ, तो गुजरात के अभियान में बहुत सारा लूट का माल मिला हुआ था, लूट की बहुत सारे धन संपदा मिली हुई थी। चल, लूट की बहुत सारी संपदा मिली हुई थी और उस लूट में अधिकांश हिस्सा जो था वो नव मुस्लिम जो लूट का माल यहां से मिला हुआ था गुजरात अभियान के दौरान, नव मुस्लिम लूट कर यहां शरण लिए हुए थे। कहां पे? रणथंभौर में शरण लिए हुए थे। नव मुसलमान या नव मुस्लिम किन्हें कहा गया? जलालुद्दीन खिलजी के समय मैंने आपको बताया हुआ था कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक बेटी का विवाह किसके साथ किया हुआ था? मंगोल नेता के साथ किया हुआ था, अब्दुल्ला के साथ किया हुआ था। तो कुछ मंगोल मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, जिन्हें नव मुसलमान या नव मुस्लिम कहा गया। ये वही नव मुस्लिम लोग थे जो गुजरात अभियान के दौरान जो लूट का माल था। अब ये जो लूट का माल होता है ना, लूट की जो संपदा होती है, इसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग हुआ है और आपको जानना जरूरी है। बताते हैं। अब कभी भी कोई अभियान हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को हराया, उसके किले पर कब्जा कर लिया, तो बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कहलाता है क्या? लूट का माल कहलाता है। तो ये जो लूट की जो संपदा होती है, इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं खुम्स। क्या कहते हैं? खुम्स। आपको ये याद रखना जरूरी है। खुम्स का मतलब क्या है? किसी अभियान के दौरान जो लूट की सामग्री धन संपदा मिलती है उसे कहा जाता है खुम्स। ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। खुम्स किसे कहा जाता है? लूट की संपदा को। तो गुजरात अभियान के दौरान नौ मुसलमानों ने जो लूट का माल था, खुम्स था, वो लूट करके शासक को नहीं देते हैं, दिल्ली को नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। कहां पे शरण लेते हैं? रणथंभौर में शरण लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है, नौ मुसलमानों को सौंपने के लिए कहता है, रणथंभौर का राजा मना कर देता है, और यही कारण था कि रणथंभौर का अटैक हुआ, रणथंभौर को भी जीत लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा है साम्राज्य विस्तार में वो है दक्षिण भारत के अभियान में पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि व्हाट वाज द रीजन कि अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत का अभियान करना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण भारत का अभियान किया उसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव जमाना दक्षिण भारत मतलब ये विंध्य पर्वत को पार करके ये वाला एरिया दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के नाम का डंका बजवाना या दिल्ली सल्तनत या खिलजियों का प्रभाव जमाना, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब दिल्ली सल्तनत या अलाउद्दीन खिलजी की सेना इन क्षेत्रों को जीतेगी तो निश्चित रूप से यहां पे कुछ न कुछ आमदनी तो होगा ही। तो दूसरा उद्देश्य हो गया धन प्राप्त करना, और यही इसका मेन लक्ष्य था, धन प्राप्त करना। मैंने आपको कल भी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने दो तीन प्रकार की बड़ी समस्याएं थी और उसको येन केन प्रकारण किसी भी तरह से बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था, उसकी आवश्यकता थी। पैसा होगा तभी वो भारी मात्रा में सैनिकों को रख पाएगा और सैनिकों को वेतन देना भी जरूरी था,
नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? तो नगद वेतन देने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासन अलाउद्दीन खिलजी। मतलब उसकी कुछ आवश्यकताएं थी और उसके लिए उसके पास धन होना जरूरी था, तो यही रीजन था कि दक्षिण भारत का अभियान किया। मूल उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। और इसी से एक तीसरी बात हो गई कि दक्षिण भारत के संदर्भ में इन्होंने कौन सी नीति अपनाई। तो जो नीति अपनाई दक्षिण भारत के संदर्भ में, उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई। कौन सी? अप्रत्यक्ष शासन की नीति, अप्रत्यक्ष शासन की नीति। तो प्रश्न क्या बनेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा एक शासक था जो पहली बार विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण के किसी क्षेत्र को जीता? तो उसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत के संदर्भ में अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाई थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ये दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे फिलहाल। अब अप्रत्यक्ष शासन की नीति क्या होती है? अप्रत्यक्ष शासन की नीति का मतलब यह होता है कि ये वाले क्षेत्र जीते गए लेकिन इनको दिल्ली साम्राज्य में मिला नहीं लिया गया, दिल्ली साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं कर लिया गया, बल्कि इन क्षेत्रों को जीता गया और जो पहले से यहां पे राजा राज कर रहे थे, जो हार गए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, उनको हटाया नहीं गया बल्कि एज इट इज उनको राजकाज करने दिया गया, छोड़ दिया गया, हराने के बाद भी छोड़ दिया गया। अप्रत्यक्ष शासन की नीति का मतलब बता रहे हैं, जो भी राजा अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग थे वो लोग हारते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। मलिक काफूर सेना का नेतृत्व कर रहा था सेनापति के रूप में, मलिक काफूर लोगों को हराता है लेकिन राजा को हटाया नहीं गया बल्कि राजा जो था हारा था उसी को राजकाज करने दिया गया। कहा क्या गया उससे कि आप ही राजकाज करते रहिए लेकिन चूंकि आप हार चुके हैं तो आप प्रत्येक वर्ष जब भी राजा बुलावे तब या प्रत्येक वर्ष इतनी मात्रा में, अब व्हाट वाज द अमाउंट नहीं पता लेकिन इतनी मात्रा में एक निश्चित अमाउंट जो भी फिक्स किया गया हो, इतनी मात्रा में आप नजराना प्रत्येक वर्ष अलाउद्दीन खिलजी के पास या दिल्ली पहुंचा दिया करिए। अब इससे क्या हो गया कि अतिरिक्त आय होना शुरू हुआ। एक बार हराया दक्षिण भारत में, सेना भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में, हराया और यहां से नजराना भेंट, यहां से आमदनी आनी शुरू हो गई, अलाउद्दीन खिलजी के पास आय के और ज्यादा स्रोत बनने शुरू हो गए। यह था अप्रत्यक्ष शासन की नीति। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब दिल्ली सल्तनत में सीधे मिलाया नहीं गया बल्कि हराने के बावजूद दिल्ली सल्तनत मिलाया नहीं गया बल्कि उन राजाओं को अपने क्षेत्र में राजकाज करने दिया गया और उनसे सिर्फ भेंट नजराना या निश्चित अमाउंट फिक्स कर दिया गया, वो प्रत्येक वर्ष लेना शुरू हो गया। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? निर्भय जी बता तो रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष शासन की नीति अपनाने वाला कौन राजा था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था, शासक था जो दक्षिण भारत का अभियान पहली बार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी का अभियान आपको मैंने बताया पहले भी, आगे बताते यहां पे कारण हो गया। अब कौन कौन से क्षेत्र जीते गए इसको मिटाते हैं जरा। सेनापति इनका मलिक काफूर नियुक्त हुआ, मलिक काफूर जो कि दास के रूप में पकड़ा गया था, मलिक काफूर, और मलिक काफूर सेना लेकर के 1308 में दक्षिण अभियान आरंभ करता है। दक्षिण अभियान 1308 में दक्षिण अभियान आरंभ हुआ किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। दक्षिण अभियान में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र जीता मलिक काफूर ने? सबसे पहले देवगिरी का क्षेत्र। कौन सा? देवगिरी का क्षेत्र। देवगिरी वही जिसे बाद में दौलताबाद के नाम से भी आप जानेंगे, देवगिरी का क्षेत्र। देवगिरी के बाद वारंगल का क्षेत्र, वारंगल आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, देवगिरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा? पूर्वी, पूर्व उत्तर महाराष्ट्र। वारंगल के बाद द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, मदुरा, मदुरई होते हुए रामेश्वरम तक पहुंच गया था। कहां तक? रामेश्वरम तक। मतलब ये यहां ये जीता,
ये जीता ऐसे करते हुए यहां तक ये पहुंच गया था सेना लेकर के। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देवगिरी में, देवगिरी को एक बार पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीता हुआ था, यहां का जो राजा था रामचंद्र उसको हरा करके। लेकिन कुछ समय बाद ही ये अपनी स्वतंत्रता दोबारा से घोषित कर दिए थे, तो दोबारा से रामचंद्र के यहां अटैक हुआ और जो राजा था रामचंद्र महत्वपूर्ण है उसको दोबारा से हराया जाता है। अधीनता स्वीकार कर लिया रामचंद्र ने किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। वारंगल में जो राजा था उसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव यहां का राजा था। कहां का? वारंगल का राजा था प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर ने जब इनको हरा दिया, तो इन्हीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। क्या? कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ले जाकर के किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। तो मलिक काफूर को वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इतिहास में कोहिनूर हीरा की चर्चा प्रथमतः यही देखने को मिलती है। प्रताप रुद्रदेव वारंगल का राजा, मलिक काफूर की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना से जब हार जाता है तो प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को प्राप्त हुआ, उसने जाकर किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। वारंगल के बाद द्वार समुद्र मदुरै होते हुए रामेश्वरम तक, कहां तक पहुंच गया था? रामेश्वरम तक। दक्षिण अभियान की शुरुआत कहां से होती है? देवगिरी के विजय से शुरू होती है। रामचंद्र यहां का राजा था जो कि हार गया था, अलाउद्दीन खिलजी अपने यहां बुलाता है और राजा की उपाधि देता है इनको, राजा रामचंद्र की उपाधि। वारंगल कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव यहां के राजा से प्राप्त होता है। द्वार समुद्र मदुरै होते हुए रामेश्वरम तक मलिक काफूर सेना लेकर के पहुंच गया था। शुरुआत होती है देवगिरी अभियान से और अंत हो रहा है रामेश्वरम तक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो मुद्दा है वो है दरबारी को लेकर के। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी था वो सीधे सीधे एक नाम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के विषय में आपको पहले ही बताया था, सात सुल्तानों का समय देखा हुआ था। बलबन से शुरू करते हैं और गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो पहला राजा था वहां तक ये देखने को मिलता है। तो सारे लोगों के, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक जितने भी राजा रहे सबके दरबारी कौन रहा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के विषय में पहले ही हमने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कार्य। अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ प्रमुख स्थापत्य कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी इतना महत्वाकांक्षी था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था। कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था। और ध्यान में रखें, मैं तो दिल्ली इतने वर्षों तक रहा हूं, मैंने देखा है बहुत बार, एक मंजिला उसका बन भी गया। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे, वही महरौली का ही एरिया, वही कुतुब मीनार का ही प्रांगण। तो एक मंजिल उसकी बनी भी थी लेकिन वो मतलब बेकार सा लगता है, गंदा सा लगता है क्योंकि वो अभी ढांचा बन ही रहा था। ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई और वो उसको बनवा ही नहीं पाया। अर्थात कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार बनवाना चाहता था किंतु पूरा नहीं हो सका, ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। दूसरी बात, आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक इमारत बताई थी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का जो गेट हुआ, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का मेन गेट इसे, मेन गेट को क्या कहा गया? अलाई दरवाजा कहा गया। क्या कहा गया? अलाई दरवाजा कहा गया। ये प्रांगण हो गया, ये जो मेन गेट है वो हो गया क्या? अलाई दरवाजा। ये हो गया, ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद हो गया और ये हो गया अलाई दरवाजा।
अलाई दरवाजा, अलाई का मतलब अलाउद्दीन से है। ध्यान रखें इस दरवाजे की दो खास बातें, इस दरवाजे की दो खास बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाई दरवाजा की दो प्रमुख खास बातें हैं, पहले क्या कि पहली बार संगमरमर का प्रयोग, संगमरमर का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के दौरान पहली बार किसी स्थापत्य कार्य में संगमरमर का प्रयोग अलाई दरवाजा में ही हुआ। संगमरमर का प्रयोग कहां पे हुआ? अलाई दरवाजा में ही पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ, एक बात। दूसरी बात, गुंबद, पहली बार भारत में गुंबद, एक स्पष्ट गुंबद का निर्माण अलाई दरवाजा में ही देखने को मिलता है। गुंबद का जो निश्चित आकार होता है वह निश्चित आकार पहली बार शुद्ध रूप से इस्लामी स्थापत्य वाला जो गुंबद होता है, शुद्ध रूप से वो गुंबद का आकार अलाई दरवाजा में ही देखने को मिलता है। तो अलाई दरवाजा को लेकर के दो बातें, एक संगमरमर का प्रयोग पहली बार इस अलाई दरवाजा में ही, दूसरा पहली बार गुंबद का निर्माण, स्पष्टतः गुंबद का निर्माण अलाई दरवाजा में ही देखने को मिलता है। तो अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार से ऊंची दरवाजा मीनार बनवाना चाहता जो पूरा नहीं होगा, अलाई दरवाजा, ये दो बातें। तीसरी बात, इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम है सीरी फोर्ट, सीरी का किला। इसी के समय सीरी फोर्ट, कई बार आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम ये शब्द आपको सुनने को मिलता होगा। सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया। अब सीरी के किले में ही दो बातें देखने को मिलती हैं, सीरी का किला, सीरी के किले के अंदर ही दो बातें अलग से देखने को मिलती हैं। क्या? एक तो हजार सितून और दूसरा हौज ए अलाई। हौज का मतलब होता है तालाब। हौज ए अलाई कहां पे है? दिल्ली में ही, सीरी के किले में। हजार सितून कहां पे है? दिल्ली में ही, सीरी के किले में। किसके समय बना हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय बना हुआ था। हजार सितून का मतलब क्या है? हजार सितून का मतलब होता है हजार खंभों वाला महल। हजार खंभों वाला महल हजार सितून कहलाता है। हजार सितून और हौज अलाई सीरी के किले में किसके समय बना हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के। एक और मस्जिद का निर्माण इनके समय देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय, जमात खाना ए मस्जिद। जमात खाना ए मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। मस्जिद का निर्माण, किला का निर्माण, अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार से ऊंची, ये चार चीजें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बातें थी अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के। बात यहां पर जाकर के कंप्लीट होती है। एक बात और, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के पहले कहां का इक्तादार था? कड़ा का इक्तादार था। ये बात मेरे मुंह से निकली नहीं थी, कड़ा का इक्तादार था अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के पहले। कड़ा का जब इक्तादार था उसी दौरान एक बार इन्होंने देवगिरी का अभियान किया हुआ था, लूट का माल मिला हुआ था। अब जाकर के बात अलाउद्दीन खिलजी संबंधित कंप्लीट होती है। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना और कल कोशिश करूंगा बिल्कुल टाइम से, लेकिन मेरे कोशिश करने से नहीं होगा। सब ठीक है, बताएं जरा। हम कड़ा का शासक नहीं, कड़ा का गवर्नर प्रदीप जी। चलो कोई परेशानी नहीं है, बात आराम समझ में आ रही थी। चलो तो फिर ठीक है, जो आप रोज काम करते हैं मेरे लिए लाइक्स वाला वो काम जरूर करें और आज के लिए इतना छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल एंजॉय करते रहिए और मौज मस्ती के साथ हंसते खेलते हुए हम लोग पढ़ाई करते चले जाएं। और कोई परेशानी होगी तो आप लिखना, कोशिश करने की पूरी कोशिश होगी, ठीक से हो जाए। और कोई बात नहीं है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।